मेरे प्यारे दोस्तों, सबको राम राम, जय श्री राम। मैं रात को लेट आया था, कहीं गया हुआ था बाहर, तो करीब 12-1 बजे के आसपास आया तो भाई साहब सो चुके थे। अभी जबरदस्ती स्कूल करके मुझे छोड़ गया, वो बस पे जाते नहीं है। इनको बोलो कमेंट्स करके बस पे जाएगा। बस पे क्यों नहीं आते हो? बस पे क्यों नहीं आते हो? अब मुझे कह रहे छोड़ गया हो, अब मुझे जगा दिया जल्दी से। बस पे क्यों नहीं आते हो बताओ? बस पे क्यों नहीं आते हो? क्या हमारे लिए बस नहीं बनवाओ? अब इनके लिए मैं बस नहीं बनवाऊ? बस पे क्यों नहीं आते? कल जाओगे बस पे? क्यों नहीं जाओगे? कौन छोड़ने जाएगा कल से? चलो छोड़ के आते हैं, आओ दादू छोड़ के आए। आओ धैर्य की स्कूल स्कूटी छोड़ने के लिए। गाड़ी थोड़ा जाम ज्यादा होता है इस टाइम सुबह सुबह, तो स्कूटी पे अंदर अंदर छोड़ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं, ये बड़े थकान है, ये मानते हैं। पापा के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाते, भैया के साथ जाते, पापा जी के साथ जाएंगे। A few inches later, ये जाम लगा हुआ है रोड पे, इसलिए रेड लाइट का थोड़ा सा जाम है। अभी रेड लाइट खुलने वाला है, जब चलेंगे। अब ये धैर्या यादव है, बहुत जिद्दी है। जिद्दी है, ये कहते पापा के साथ जाएंगे आज, है ना? बोला हाँ भैया, पापा लेके जाएंगे। पापा से बहुत जिद करते हैं, मानते ही नहीं है, बहुत परेशान करते हैं पापा को। अभी इनका स्कूल भी दिखाएंगे, लेट हो चुके हैं लेकिन छोड़ने आ रहे हैं इनको। पहले मैं स्कूटी नहीं चलाता हूँ, छोड़ दिया मैंने। जब धैर्य कभी जिद करते हैं तभी मैं इनको छोड़ने आता हूँ। 16 सेकेंड रह गए रेड लाइट में। स्कूल आ चुके हैं, छोड़ लिया धैदुर को स्कूल में, जा रहे घर। 2-3 से वॉक भी नहीं हो पा रही, जाएंगे वॉक। देखो अंकल जी उल्टी सीधी चला रहे हैं, चला लो तुम। वॉक करेंगे आज पार्क में, अपने घर के पास। दोस्तों कल बच्चों को केले खिलाने भी नहीं जा पाया, वो भी जाना पड़ेगा। देखो टाइम मिलेगा आज, मुझे नहीं लग रहा है, तो कल ही जाएंगे पार्क पहुँच के।